अब से दो घंटे बाद वाराणसी की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी फिर उतरेंगे। पीएम मोदी का रोड शो होगा। बीजेपी ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। इससे पहले कल भी पीएम मोदी का खुली जीप में सड़क पर कल मोदी निकले थे और भारी तादाद में भीड़ जुटी थी। पीछे पीछे बड़े बड़े मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों का काफिला चल रहा था। कल ही अखिलेश और राहुल ने भी रोड शो किया था। रोड शो के जरिए दोनों ने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवाया। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रोड शो तो नहीं किया, लेकिन रैलियों के जरिए ये जताने की कोशिश की कि वे भी किसी से कम नहीं। यानी आखिरी फेज में सभी दलों का पूरा फोकस काशी पर है। और इस मुद्दे पर जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो हमारे रिपोर्टर हैं वाराणसी से, अमित सिंह कचहरी चौक से, श्रीधर मिश्रा हैं हमारे साथ काशी विद्यापीठ से। इससे पहले आपको बताते हैं कि क्यों 40 का ये चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट पहले। यूपी में सातवें फेज का पॉलिटिक्स पॉइंट बन चुका है बनारस। यूं तो गली गली सभी दलों के झंडे फहराए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा झंडा होगा इसके लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। काशी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से तो कमोबेश पूरी सरकार ही गंगा किनारे पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री, बिजली मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, कपड़ा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, संतरी, हर कोई काशी में डेरा डाले हुए है। अमित शाह खुद रणनीति बना रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोड शो के जरिए दम दिखा रहे हैं, तो वहीं मायावती रैलियों के आसरे अपना पक्ष रखने में जुटी हुई है। सवाल उठता है कि आखिर बनारस में दिग्गजों ने डेरा क्यों डाला हुआ है? क्या वजह है कि सभी दलों ने पूरी ताकत वाराणसी में झोंक दी है? क्यों आखिरी चरण में वाराणसी पॉलिटिक्स पॉइंट बन गया है? तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे हर दल के अपने मायने हैं। बीजेपी के लिए बनारस इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में मोदी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले, उसके बाद ये वाराणसी बीजेपी के प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से बीजेपी में अतः विरोध उभरा है, उससे बड़े बड़े नेताओं के माथे पर लकीर खिंच गई है। दूसरी बात ये, अगर बीजेपी वाराणसी में एक भी टिकट हार गई, तो विरोधी मोदी मैजिक पर सवाल खड़े करेंगे। तो वही विरोधी दल किसी तरह से बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी में इसीलिए भी है क्योंकि बनारस हरा कर ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने गढ़ को तो मोदी भी बचा नहीं पाए। जाहिर है कि साल 2017 में जो है, लेकिन साल 2019 को लेकर मोदी की घेराबंदी का ये बड़ा रिहर्सल होगा। कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी के लिए असली जीत तब होगी जब पूरे यूपी के साथ साथ वाराणसी में भी पार्टी अव्वल रहे। यही वजह है कि वाराणसी में बीजेपी, बीएसपी और एसपी कांग्रेस सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल के नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं ताकि बाबा विश्वनाथ के साथ साथ काशी की जनता का भी आशीर्वाद मिल सके। आपको बता दें कि आखिरी चरण में पूर्वांचल की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जाहिर है कि वाराणसी के माहौल का आसपास भी नजर पड़ना तय है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और वाराणसी से दो संवाददाता हमारे साथ हैं, अमित सिंह और श्रीधर। अमित, ये बताइए कि कल जो रोड शो हुआ, भले उसका नाम बीजेपी कह रही हो कि ये यात्रा दर्शन यात्रा थी, लेकिन कल वाले शो में और आज जो रोड शो होगा, इसमें किस तरह का अंतर है? कितना प्रभावी अंतर दिखेगा? कल कितने लोग शामिल थे, आज कौन कौन शामिल होंगे बड़े बड़े दिग्गज मोदी के साथ? रूट कैसा होगा? कल और आज में तुलना करें तो आज क्या खास होने जा रहा है इस रोड शो में?
देखिए अजीत, कल जो अघोषित रोड शो था, जो बाद में बड़ा जिस पर विवाद हुआ, कल जिस इलाके से होकर रोड शो संपन्न हुआ बीजेपी का, वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। 7 बार के विधायक रहे हैं श्यामदेव राय चौधरी। लेकिन आज जिस इलाके से रोड शो की शुरुआत होनी है, वो प्रधानमंत्री के 5 सीटों में सबसे कमजोर सीट है और जहाँ सबसे ज़्यादा पार्टी चुनौती का सामना कर रही है। रविंद्र जायसवाल पिछला चुनाव भी महज 2400 वोटों से जीते थे और इस बार भी वो खुद कैंट से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो खुद नहीं चाहते थे कि शहर उत्तरी से वो चुनाव लड़े। सबसे ज़्यादा बुनकर इसी विधानसभा सीट पर हैं। बुनकरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसा वो बता रहे हैं। स्थानीय विधायक के खिलाफ सीवर के मामले पर, सड़क के मामले पर, सारनाथ का मुद्दा है, बुनकरों का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी को जो इनपुट दिया गया है कि इस सीट को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत है, तो शहर उत्तरी से जहाँ से रोड शो शुरू होगा वो कैंट विधानसभा सीट पर जाकर ख़त्म होगा, यानी काशी विद्यापीठ तक रोड शो जाएगा पुलिस लाइन चौराहे से। तो कुल मिलाकर 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ प्रतिष्ठा फंसी है वहीं से ये रोड शो हो रहा है। पहला अधिकृत रोड शो हो रहा है, इसलिए सभी जो चर्चित चेहरे हैं, पूरी की पूरी सरकार आपको दिख जाएगी इस रोड शो में। तो प्रधानमंत्री जी की कोशिश होगी शहर उत्तरी के साथ साथ कैंट में भी धमाके दार उपस्थिति दर्ज वो कराएं और उसके बाद काशी विद्यापीठ में उनकी जनसभा होनी है। तो आज शहर उत्तरी और कैंट, ये दो विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर रोड शो हो रहा है, जनसभा होनी है और आज शाम को DLW में वो प्रबुद्ध जनों से मुलाकात भी करेंगे। प्रबुद्ध जनों में सबसे ज्यादा व्यापारी शामिल रहेंगे। नोटबंदी का जो दुष्प्रभाव है उसको भी कम करने की कोशिश होगी। तो कुछ ही समय में प्रधानमंत्री जी का पहला अधिकृत, हम एक एक करके इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, एक एक करके इन मुद्दों पर आते हैं, फिर आएंगे आपके पास। श्रीधर, ये बताइए कि जो धार्मिक लगाव का मुद्दा है या आस्था का प्रश्न है, जो भी आता है बड़ा नेता वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, ये जो तरीका है, ये जो ढर्रा है, ढंग है, ये कितना प्रभावी है, कितना असरकारी है बनारस के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए, खासतौर पर अभी बनारस की ही अगर बात करें तो? देखिए, जब यूपी चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था तो सारी चीजें, सारी पार्टियां विकास के बात कर रही थी। विकास से लॉ एंड ऑर्डर आया, लॉ एंड ऑर्डर से फिर कब्रिस्तान आया और अब जब आखिरी चरण में चुनाव आ चुका है तो अब सिर्फ यहां पर जो पूर्वांचल कह लीजिए, खासकर उसमें अगर बनारस की सीटों को ले लीजिए, तो वहाँ एक ही अब मुद्दा चल रहा है, वो है कि कौन सबसे ज्यादा लोकल है, कौन लोगों के बीच सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कौन लोगों के बीच एक तरीके से घरेलू तरीके से रहता है और कौन सबसे ज्यादा भगवान शिव का भक्त है। क्योंकि बनारस में अब इसे बनारस का सौभाग्य कह लीजिए या इसका दुर्भाग्य कह लीजिए कि एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है कि अपने आप को दिखाइए कि आप भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं, माँ गंगा के भक्त हैं और हर हर महादेव के नारा लेते ही आप सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कोने में हो जाती है। तो यही एक चीज है जो बनारस के लोगों को यहाँ के नेता एक तरीके से अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। अब जैसे देख लीजिए, कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए, फिर काल भैरव के दर्शन के लिए गए, शाम को अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये पता है कि बनारस में तमाम चीजें एक पल के लिए गायब हो जाती हैं, सिवाय इसके कि आप ये लोगों से जुड़ जाइए कि आप उन्हीं के बीच हैं। और ये कब संभव हो सकता है? देखिए, बनारस की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आस्तिक हो या नास्तिक, वो हर रोज नास्तिक भी होगा तो कभी न कभी अपने जीवन में यहाँ किसी न किसी शिवालय में या शिव मंदिर में जरूर गया होगा, चाहे देखने ही क्यों ना गया हो। तो एक जो बनारस की रीति रिवाज है और एक परंपरा है कि सुबह उठ के गंगा स्नान करना, उसके बाद महादेव जी के दर्शन करना, उसी चीजों को अब नेता अपने जीवन में भी मतलब अब इस चुनाव में भी दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया इसे। हम फिर अमित के पास लौटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर जो बुनकरी की समस्याएं हैं यहाँ पर और जो भी स्थानीय मुद्दे बता रहे थे, वो इन मसलों के आगे, इन धार्मिक मसलों के आगे क्या दब जाते हैं या इस बार के चुनाव में वो पैरेलल चल रहे हैं या हावी हैं, इसका विश्लेषण करेंगे अमित के साथ। आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 6 मार्च को गढ़वा घाट आश्रम पहुंचेंगे और वहां पर पीएम तकरीबन 1 घंटे के लिए रुकेंगे। वहां प्रधानमंत्री गाय को अपने हाथों से चारा खिलाएंगे। जो चर्चा हम लोग कर रहे थे उससे इस खबर को जोड़कर आप देख सकते हैं, वहां के महंत सरनानंद महाराज से आशीर्वाद लेकर रामनगर के लिए वो रवाना होंगे।
पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रोहनिया में एक सभा भी करने वाले हैं। तो जो श्रीधर हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं, वाराणसी से जोड़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं नेता, इसके पीछे वही वोटों का गणित है। तो ये कोशिश है हर दल की कि वो अपने आप को स्थानीयता की चीज़ों से, स्थानीय चीज़ों से जोड़े और अपने आप को यहाँ के लोगों से कोरिलेट करे, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ता हुआ वो दिखाई दे। और इसीलिए सभी दल के अहम नेता, दिग्गज नेता इसी तरह से अपना प्रचार भी करें। रवि पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बताइए, 6 मार्च का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें क्या क्या खास चीजें शामिल हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री लगातार बनारस में कल से मौजूद हैं। आज वो बनारस में रात्रि विश्राम भी करेंगे और कल वो वहाँ दो जगह विशेष रूप से कार्य करेंगे, जिसमें से काशी विद्यापीठ और गरबा घाट आश्रम शामिल है और पूरी की पूरी तैयारियां वहां पे हो रही हैं। यादव पीठ कहा जाता है वहां गरबा घाट आश्रम, और ये यही का यहां के जो जनता है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो ये मान रहे हैं कि यादवों के वोट के लिए को आकर्षित करने के लिए पीएम वहां जा रहे हैं और पूरे एक घंटे वहां पे बिताएंगे पीएम, और जिसके बाद विद्यापीठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। भी तो बहुत दिलचस्प है कि वहां लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। बिल्कुल, जिसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री पर माल्यार्पण भी करेंगे। तो ये दोनों को दोनों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का मूर्ति माल्यार्पण करना और गरबा घाट में जाकर वहां पे मिलना, ये पूरी कवायद इसीलिए की जा रही है कि जो भ्रमित जनता हो रही है वो मोदी जी। बहुत दिलचस्प ये तरीका है और इस पर भी काफी बातें होंगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अमित, ये बताए कि अब लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मोदी, इसको लेकर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी कांग्रेस की तरफ से भी, जाहिर है वो राजनीति होगी। और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इन सब को मिलाकर ये बताइए, आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे थे, कैंट विधानसभा क्षेत्र में लोग नाराज हैं, जिन स्थानीय चीजों की उपेक्षा करने के कारण लोग नाराज हैं, वो मुद्दे क्या धार्मिक भावनाओं के नीचे दब जाते हैं या इस बार के चुनाव में वो हावी हैं? देखिए अजीत, लाल बहादुर शास्त्री के घर रामनगर जाने को लेकर इसके पहले भी काफी चर्चा हुई बनारस में, चूंकि 10-11 बार प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में आ चुके हैं और वो अब तक एक बार भी शास्त्री जी के पैतृक आवास पहुंचे नहीं। मोदी सरकार लगातार सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के जरिए नेहरू को टारगेट करते रही है और इन दो महान राजनेताओं के कद को नेहरू से बड़ा बताते रही है। तो इस बार चुनाव के इन मौके पर जब प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी के पैतृक आवास पर जाएंगे तो उसका अपना एक विशेष मतलब होगा, चूँकि रामनगर कैंट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और बड़ी संख्या में यहाँ कायस्थ मतदाता भी हैं। गड़वा घाट जाने का जो उनका एक घंटे का कार्यक्रम है, इसको भी चूँकि यादव शक्तिपीठ है, मुलायम सिंह यादव की बड़ी आस्था रही है, लालू प्रसाद यादव की बड़ी आस्था रही है, अन्य राजनेता भी, सिर्फ यादव राजनेता ही नहीं, अन्य राजनेता भी हैं जो गड़वा घाट जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का चूंकि ये पहला दौरा होगा गड़वा घाट का, इसलिए इसको भी यादव मतदाताओं से विश्लेषक जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसे कई जगहों पर जाते रहे हैं जिसका धार्मिक और दार्शनिक महत्व रहा है, लेकिन ये सब कुछ एक तरफ चल रहा है। ये भावनात्मक मुद्दे हो सकते हैं, ये माहौल बनाने का मुद्दा हो सकता है, ये काशी की संस्कृति से जोड़कर दिखाने का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे बुनकरों का मुद्दा, बुनकर कैंट उत्तरी और दक्षिणी तीनों सीटों पर हैं, सबसे ज्यादा उत्तरी में हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी बहुत बुरी है, उनकी जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में जब मोदी सरकार उनके लिए कुछ करना चाहती है, हमने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि जब एक बुनकर का मिनिमम वेज भी आप तय नहीं कर पाई तो आप बुनकरों के लिए कैसे दावे करती हैं कि आपकी सरकार बहुत काम कर रही है? उन्होंने कहा कि हम 42% जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाएं, राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। तो यहाँ तो एक तो विश्वास का बड़ा संकट
फ्लैट हो गया अजीत, कोई मंत्री जो बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये जो अमित कहा जाता है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, संसद में जब गतिरोध होता है तो वहां पर मुलायम सिंह उस गतिरोध को दूर करने के लिए सहायक साबित होते हैं, बिहार में जब गठबंधन की बातें होती हैं तो उसमें गठबंधन से हटकर मुलायम सिंह एक तरह से सपोर्ट ही देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो अंदर खाने होती हैं, लेकिन जब विकास की बात होती है तो राज्य सरकार अलग दल की और केंद्र में अलग दल की सरकार, और ये कहकर कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, बहुत सारे बहाने भी किए जाते हैं। हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। श्रीधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित सिंह हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ हैं।